मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम हरप्रीत सिंह। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? भेलपूरी। भेलपूरी कितनी आसान होती है, कोई गैस नहीं यूज करनी या कुछ भी नहीं। बस बाजार से मिक्सचर लेके आओ, अलग अलग आलू उबालो। ये देखो, जैसे मैंने आलू लिया, पुदीने की चटनी ली, आलू भुजिया लिया, मिक्सचर आता ना, मठी ली, मटर मठी, ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लें। थोड़ा ये डाइट भुजिया लिया मैंने, और ये पुदीना भुजिया, प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, धनिया अगर आपने डालना तो डालें, मीठी चटनी। चलें आप बनाना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, डाइट भुजिया, ठीक है। ये थोड़ी सी डालें, जितनी आपने एक जने के लिए बनानी है, दो जने के लिए बनानी है, उतना डालें, ओके। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज, फिर ये भुजिया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, जितना आपने बनाना है। आलू डालें, बहुत ही आसान है। ये भी डालें, मटर थोड़ा क्रश करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ऐसे क्रश कर लें थोड़ा सा, ओके। थोड़ी सी धनिया, हरी मिर्च अगर डालनी तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ऊपर से पुदीने की चटनी, वाह ये तो खुशबू आने लग पड़ी मुझे तो। ये मीठी चटनी, ये मम्मी को कहो बना के रखो फ्रिज में, जब हमारा दिल करे हम बना लिया करें अपने आप, ओके। अब इस सबको मिक्स कर लें। ये जब आपका सारा मिक्सचर मिक्स हो जाएगा, देखिए बहुत बढ़िया। अब आप इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे, खट्टा आ जाएगा स्वाद, वेरी गुड। अब हम सर ये नींबू के बीज निकाल लें, जमीन पे आएंगे। अब हम सर्विंग बाउल लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने कटोरी ली। आपके फ्रेंड्स आते हैं घर पे, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, या कोई भी टाइम हो, आप फटाफट अपने लिए ये बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्वाद भेलपूरी बन गई। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालें और इसको सर्व करें। थैंक यू।